एवरीवन, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जब मैं जो चीज शेयर करूं तो बहुत सारे लोगों के मन में यह है कि भैया हम जो है यहां पर अब क्या करना चाहिए, मतलब अब हमें क्या करना है। तो यही चीज पे आज मैं डिस्कशन करूंगा। वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है, ब्रांड एम्बेसडर। यस, डेफिनेटली आप अगर ब्रांड एम्बेसडर है, एक फाउंडर ऑन पैसिव के हैं, तो आपके जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने आप जो है अपडेट रहना पड़ेगा, मतलब किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप कुछ काम है, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें यह है कि आप बैक ऑफिस में जाइए। लास्ट वीडियो भी मैंने बताया था, और जिसपे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो यही है कि आपका बैक ऑफिस यानी ofounders.net जितना भी इंफॉर्मेशन है, प्लीज 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 वहीं से जाकर के लीजिए। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि यहीं पर सब जो है रियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि लास्ट शेड्यूल जो हमारा है, शेड्यूल पूरी तरह से जो है तैयार हो चुका है। अब इसमें जो वेबिनार हो रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे कि डेली आपको वेबिनार मिलेंगे, और इसकी लिंक हमेशा आपको बैक ऑफिस में, मतलब ofounders.net की साइट पर आने वाली है। अब आप सोचेंगे मुझे मेल नहीं आया, मुझे इसका मेल नहीं मिला है, इसकी लिंक नहीं मिली है, कोई जरूरत नहीं है। आपको बैक ऑफिस जाना ofounders.net की साइट पर जाकर के, और वहां से जो है लिंक जब भी आती है वहां से क्लिक कीजिए, अटेंड कीजिए। इंडियन टाइम के हिसाब से रात में 10:30 बजे डेली होगा, राइट, और उसके बाद में डेली होता है संडे के दिन छोड़ के, और भी बीच में जो आता है उसमें आपको डेली अपडेट उसमें आता रहेगा कि अब आपका कब है वेबिनार, वहां जाकर के आपको अटेंड करना है, राइट। और उसके बाद में जो है इंपॉर्टेंट यहां पर यह भी आता है कि उसके बाद में उसका फीडबैक, जो भी हमारा जो वेबिनार उसमें फीडबैक क्या रहा उसका, सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग में फिर आप देखेंगे तो सारा वहां पर इंफॉर्मेशन आएगा, राइट। और यूट्यूब पे कभी लाइव होगा, कभी आपका जो है वेबिनार इसका जूम पे चलेगा, तो ये इससे जो है आप कंटिन्यू रखें, राइट, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आएंगी। दूसरी चीज यहां पर यह है कि आप देखेंगे कि इसको जो है माइकल वीएम सर और भी लीडर ने शेयर किया कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या है, आप खुद एक लीडर हैं, आप किसी लीडर पे डिपेंड मत रहिए कि वो उसने कहा उसने ये बोला, आपको खुद को एक्टिवेट यहां पर रहना पड़ेगा। आप सब यहां पर एक्टिव फाउंडर्स हैं, आपको यहां खुद एक्टिवेट रह करके सारा काम करना है, मतलब खुद को आप एक्टिवेटेड रखिए। और एक और चीज है कि बहुत तरह के हमने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है एंट्री ले ली है, क्या मतलब लोगों ने आपको दिया, मुझे ही 50 तरह के जो है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में वहां पर इंटर किया हुआ हूं। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर यह कि आप किसी भी कहीं जगह व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हैं, मतलब आप ऐड नहीं, आपको कहीं जगह से कई लोगों ने उनको ऐड कर दिया है, राइट, तो उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे हमारे लोग हैं यहां पर फाउंडर, हमने एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन क्या होता है कि बहुत ज्यादा ग्रुप में जब आप एक्टिवेट होते हैं तो आपके अंदर कंफ्यूजन बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं, मतलब उसमें इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसमें ये आ रहा है, उसमें ये वेबिनार की लिंक, उसमें ये आ रहा है, उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइट। तो उसमें फिर क्या होता है, आपको रियल इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है वो मिल नहीं पाती है, और कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैं ये करूं वो करूं, आपके माइंड बिल्कुल मतलब ऐसा होता है कि अरे यार ये भी आ रहा है इधर से भी, ये भी है, तो आप जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो इसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, आप जो अपने आपका ग्रुप बना रखा है जहां भी है तो आप सिर्फ उसी में इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए और रियल इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। ज्यादा ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो ज्यादातर लोग जो है या तो उसे बिना मतलब हाथ जोड़ के ऐसा करके भैया कि भैया मैं इस ग्रुप को छोड़ रहा हूं या ये कर रहा हूं, तो बिल्कुल आप कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं, उसको छोड़ के आप अपना खुद के जो है, अगर आपका छोटा मोटा टीम हो या ना हो, आपके कुछ अच्छे फाउंडर्स के आपने ग्रुप बना के, सभी अच्छे फाउंडर है, तो अपने छोटे छोटे जो ग्रुप है उसी में सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। स्पेशली ब्रॉडकास्ट बना लीजिए, सबसे अच्छा व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट बना के उसमें शेयरिंग करिए, जो सही चीजें हो वही चीजें आप शेयर करिए अपने लोगों तक, ताकि उन तक इंफॉर्मेशन सही जा सके और वो कंफ्यूज भी ना हो कि यार इसमें ये बताया था, उसमें ऐसा हुआ था, उसमें तो ये बताया था, उसमें ऐसा नहीं हुआ था, इसमें ये बता रहा है, तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे। और एक बात आती है YouTube चैनल्स की, तो आपको तो इस पर क्लियरली बोला गया कि देखिए जो रियल इंफॉर्मेशन और सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्लीज उनके साथ में ही आप कनेक्टेड रहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं कंटिन्यू मैं भी देख रहा हूं कि देखे तो नहीं है वीडियो, लेकिन जो थंबनेल है बड़े अजीब अजीब से हैं कि इस तारीख को लॉन्च हो रहा है, इतनी इनकम इसमें होगी, अभी भी लोगों ने छोड़ा नहीं है, राइट। और उस पर हैरानी की बात यह है कि लोग जा भी रहे हैं और व्यू आके देखते हैं और फिर कॉल हमें करते हैं कि सर उसमें तो उसने बोला था कि ये इसमें ऐसी इनकम है और ये है वो है, तो उन्होंने क्या किया, आपने ही गलत चीजें देखी, आपने ही गलत चीजें सुन ली, और फिर आप आकर के पूछते हो किसी लीडर से कि सर उसमें तो जैसा बताया था, फिर आप हमें भी कंफ्यूज कर रहे हो, आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, राइट। तो इस टाइप के वीडियो आपके सामने भी आ जाते हैं, यूट्यूब पर गूगल पे आ जाते हैं, तो उसको अवॉइड करिए। हम सोचते यार ठीक है थोड़ा देख लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है,
वही होता है, आप देखने ही जाते हैं और उसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। इसीलिए इस टाइप के कंफ्यूजन को हमेशा अपने दिमाग से हटा दीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, रियल जो यूट्यूब चैनल है उन्हीं को आप जाकर के देखिए, वहीं से इंफॉर्मेशन लीजिए, और अपने ग्रुप में जो आप बना रखे हैं आप उन्हें, तो उसमें रियल चीजें ही शेयर कीजिए। आपको लगता है ये है ऑथेंटिक, यस उसे शेयर करें, अदरवाइज आप उसको कहीं भी कुछ भी मत शेयर कीजिए। बैक ऑफिस में ही जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है आने वाले टाइम में, सब्सक्रिप्शन, ई के वाई सी कभी बहुत हवा बना दिया लोगों ने, ई के वाई सी, इतना कंफ्यूज हो कि अरे बाप जैसा ई के वाई सी नहीं, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हो गया, वो बहुत सिंपल चीज है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। जब आएगा बैक ऑफिस में अपडेट कैसे करनी है ई के वाई सी, बहुत सिंपल तरीके से होगा, उसमें आप कंफ्यूज मत होइए, आप वीडियोस देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, अभी हमें यही चीज करना है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेनी है, सही जानकारियां लेनी है, बिना वजह के ग्रुप से जो है फेसबुक व्हाट्सएप के उनसे आप लेफ्ट हो जाए, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, राइट, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें करनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक ऑफिस की अपडेट्स पर आप लगातार इंफॉर्मेशन लीजिए। लोग मुझसे आके भी ये पूछते हैं, कई लोगों से पूछते होंगे कि सर उसमें तो ये बताया था, इन चीजों से प्लीज दूर रहिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, बैक ऑफिस जाइए और एंजॉय कीजिए प्रोसेस, बहुत बड़ी ये प्रोसेस है, इसको समझने के लिए आपको बैक ऑफिस का ही हेल्प लेना है।